आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूँ मैं रोबिका लियाकत। होली का दिन है, बहस का वक्त नहीं है, आज बहस नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज बहस होगी। इसलिए होगी कि बाकी सब होली में भले ही डूबे हुए हों, उन रंगों में भले ही अपनी जिंदगी खुशगवार कर रहे हों, लेकिन यहाँ दिल्ली में सैकड़ों की तादाद में SSC के वो छात्र हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारी होली इस बार बदरंग है, हमें SSC स्कैम में सिर्फ और सिर्फ CBI की जांच चाहिए। और इसीलिए जी न्यूज ने तय किया कि आज भी बहस होगी और ताल ठोक के सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि ये इन छात्रों के मुस्तकबिल का सवाल है, इनके भविष्य का सवाल है। देश ही नहीं, दुनिया भर में जहां कहीं भी हिंदुस्तानी है, आज सभी होली के रंग में सराबोर है। देश आज होली मना रहा है और हम भी अपने सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन इन शुभकामनाओं और रंगों के बीच देश की राजधानी में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी होली से रंग गायब है। कहने को तो इन युवाओं को हम देश का भविष्य कहते हैं, लेकिन इनका हाल देखकर नहीं लगता कि हम में से कोई भी अपना ऐसा भविष्य तो चाहेगा। ये परेशान हैं, लाचार हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, होली के दिन, फेस्टिवल के दिन अपने माँ बाप से, अपने परिवार वालों से दूर हैं, कोई हाल पूछने वाला नहीं है। लेकिन यही कुछ हो रहा है हमारे देश के इस भविष्य के साथ हो रहा है। देश भर से आए प्रतियोगी छात्र दिल्ली के SSC ऑफिस के बाहर पिछले 4 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि 17 से 21 फरवरी के बीच हुई परीक्षा के पेपर्स लीक हो चुके हैं। उस जगह जहां पर कान के बूंदे तक अलाव नहीं है, वहां की तस्वीरें कैसे बाहर आ जाती हैं? कई जगह पर पैसे लेकर पेपर बांटे गए हैं, आरोप ये लग रहा है। यही नहीं, जिस वक्त बच्चे परीक्षा दे रहे थे उसी वक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र, क्वेश्चन पेपर्स सोशल साइट्स पर वायरल हो रहे थे, लेकिन SSC से कोई कार्रवाई नहीं। सोशल मीडिया से शुरू हुआ यह आंदोलन सड़कों पर उतरा है और अब मीडिया ने जी न्यूज की इस बहस में अपनी जगह जो है वो बना चुका है। इस बीच SSC ने गणित की परीक्षा तो रद्द कर दी, लेकिन ये नहीं माना कि पेपर आउट होने की वजह से ऐसा किया गया है। अब छात्र ये मांग कर रहे हैं कि न सिर्फ पूरी परीक्षा रद्द हो, बल्कि मामले की CBI जांच हो, ताकि गुनहगारों को सजा मिल सके। ऐसे में ताल ठोक के आज के जो हमारे 5 महत्वपूर्ण सवाल है, उसे आप गौर से देखिए। रंगों के त्योहार पर देश का भविष्य बेरंग क्यों है? परीक्षा की जांच कराने को तैयार क्यों नहीं है सरकार? घोटाले के आरोप पर UP सरकार जांच कराए तो केंद्र सरकार को जांच से क्यों दिक्कत है? नौजवानों के भविष्य से खेलते भ्रष्टाचार का अंत बताइए इस देश में कब होगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर होली के दिन भारत का भविष्य सड़कों पर क्यों है, और अगर है तो उनकी सुध लेने वाला कोई नेता क्यों नजर नहीं आ रहा है? शुरुआत करूं मैं इस बहस की, उससे पहले ये रिपोर्ट और फिर आपको मेहमानों से मुलाकात करवाऊंगा। मेरे देश के नौजवानों, मैं आपसे मदद चाहता हूं। भारत को इस भ्रष्टाचार रूपी दीमक से मुक्ति दिलाने के लिए एक काम अगर आप ठान लें और नियम बना लें कि साल में कम से कम 100 नए परिवारों को मैं इस काम के लिए जोड़ूंगा। अब यूपी से बुंदेलखंड से आई हूँ, जहाँ आपको पता है कि लड़कियों की कितनी बुरी स्थिति है। आज देश के बेटे रोड पर डली हुए, कोई देखने नहीं आ रहा है। सर, जो समस्या है उसका समाधान, कह रहे कि पेपर लीक हुआ है, जो समस्या है समाधान होना चाहिए। NIA, IB जैसे इंटेलिजेंस का रिक्रूटमेंट करती है, अगर उनके पोस्ट बीके रहेंगे तो क्या देश की सुरक्षा करेंगे? कहीं ना कहीं बम विस्फोट होगा, क्योंकि अगर 30 लाख दे के कोई अगर रिक्रूटमेंट करता है, कोई अपना पोस्ट पाता है, तो पहले तो 30 लाख कमाएगा ना सर। अगर 30 लाख कमाएगा तो आतंकवादियों से रिश्वत लेगा तो कहीं ना कहीं हमारे देश की सिक्योरिटी को भी खतरा है इससे। सरकार को एकदम कदम उठाना चाहिए। लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर पेपर्स लीक हुए हैं, जिन लोगों ने किए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए। ये और इसके लिए सीधा सीधा मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री को जिम्मेदार मानता हूँ। यही सोचता हूँ कि पता नहीं मेरे से बात करके क्या सोचेगी, भाई बेटा वहाँ पढ़ रहा भी है नहीं पढ़ रहा है, और मैं यहाँ धरना प्रदर्शन बैठा, उनको तो ये भी नहीं मालूम मैं यहाँ धरने प्रदर्शन कर रहा हूँ।
हमारे भाई बहन ऐसे बेहोश हो रहे हैं, ऐसे ऐसे सरकार जिम्मेदारी लेगी क्या? मुझे लगता है कि जो भी युवाओं के भविष्य खिलवाड़ करेंगे, कम से कम ये सरकार उसको माफ नहीं करेगी। निश्चित रूप से इसके बारे में जांच होनी चाहिए और इसका पता करके जो जिम्मेदार हैं इसके लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे सहयोगी विशाल पांडे, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जहां पर एसएससी दफ्तर के बाहर सैकड़ों की तादाद में ये बच्चे, ये छात्र परीक्षा में हुई धांधली को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर मौजूद है विशाल। मैं आपके पास आऊंगी, आपके साथ बहुत सारे छात्र यहां पर नजर आ रहे हैं मुझे, लेकिन जो बाकी मेहमान हैं उनसे पहले एक बार मैं तारुफ करवा देती हूं। देखिए, हमने फोन किया, एक नहीं दो नहीं बहुत से बीजेपी के प्रवक्ताओं को फोन किया, कहा कि आइए जरा इस मसले पर बात कीजिए, आइए और बताइए कि सरकार का रुख क्या है, लेकिन इस डिबेट में हिस्सा लेने से मना कर दिया गया बीजेपी की तरफ से। पूरा एक घंटा बचा हुआ है, अभी भी बीजेपी के प्रवक्ताओं के पास मौका है। बीजेपी के किसी भी नेता को अगर ताल ठोक के कार्यक्रम अभी आप देख रहे हैं तो जी न्यूज आपसे रिक्वेस्ट करता है और आपसे सवाल पूछता है, आप फोन हमें कहिए, हम आपको फोन लगाएंगे या फिर हमारे साथ डिबेट में आइए। बहरहाल, गीता भट्ट आरएसएस समर्थक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर है, हमारे साथ जुड़ गई है। जेएस राजपूत साहब एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक है, स्कूली शिक्षा के सुधार के लिए काफी काम किया, आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अमीर हैदर जैदी साहब सीपीआई के एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य है, एआईएसएफ दिल्ली के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अमीर साहब, आपका भी स्वागत है। राशिद अलवी साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य रह चुके हैं। अलवी साहब, आपका भी स्वागत है। तहसीन पुनावाला हमारे साथ है, कांग्रेस के समर्थक है, यूथ फॉर कांग्रेस संगठन बनाया है, तहसीन स्वागत है आपका। निधि त्रिपाठी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सचिव है, हमारे साथ जुड़ गई है। निधि, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ है पूर्वेश और स्नेहा, जो एसएससी परीक्षा लीक होने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले चार दिनों से। ये दोनों, और सिर्फ ये दोनों नहीं, बहुत से ऐसे तादाद में छात्र है जो वहां दफ्तर के बाहर है एसएससी के, और ये कह रहे हैं कोई आओ हमारी सुत तो ले लो, हमारे कंधे पर कल ये पूरा देश होगा, और हमारे साथ इस तरीके से धोखा और धांधली मत करो। आप सबको शुरुआत में एक एक मिनट का मौका मिलेगा, और इसीलिए सबसे पहले पूर्वेश मैं आपके पास आ रही हूं, क्योंकि आपने तो मिनिस्ट्री के भी कुछ धक्के खाए हैं, बहुत सारे अधिकारियों से आपने बात की है, क्या कुछ हुआ है जरा एक मिनट में आप मुझे बताइए। मैम, सिर्फ मैंने नहीं, मेरे जैसे पता नहीं कितने छात्रों ने लगातार इस मामले में धक्के खाए हैं। मैम, एसएससी जो इस देश का सबसे बड़ा संगठन है जो कि हमारे परीक्षा लेता है, उसमें हर साल जब हम पेपर देकर, एक बच्चा एक साल तक पढ़कर जो पेपर देता है, वही पेपर बाहर आकर हमें पता लगता है, दूसरा बंदा दिखाता है कि देख मैंने 18 लाख में खरीद लिया था, देख मैंने 20 लाख में खरीद लिया था। हम देखते हैं कि जो पेपर मैं देकर आया हूँ उसकी आंसर की फेसबुक पर घूम रही है चारों तरफ। मैम, मुझे एक बात बताइए, जो 20 लाख में सीट खरीदेगा, कल को जाकर वो 20 लाख पहले कमाएगा या पहले देश का भविष्य सुधारेगा? वो अपना घर सुधारेगा, पहले जेब भरेगा, उसके बाद ही तो कुछ काम करेगा। मैम, ये मेरे पास प्रूफ है। हाँ। मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ, ये वो कॉन्फिडेंशियल पेपर है, ऊपर कर लो पूर्वेश। हाँ। ये वो कॉन्फिडेंशियल पेपर्स हैं जिसके अंदर हमें पेन तक ले जाना अलाउड नहीं होता, हमें पेन ले जाना अलाउड नहीं होता, हमारी बहनों को हमारे बालों में क्लिप तक लगाने अलाउड नहीं होती। कैमरा कैसे अंदर चला गया, कैसे फोन अंदर चला गया, कैसे आंसर कीज बाहर आ गई, वो पेपर ऑनगोइंग पेपर, जब पेपर वहां चल रहा है, ये तो सबूत है, तो ये आपने दिखाया नहीं अधिकारी? ये सारे सबूत हम वहां पर प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं ये पायरेटेड है। हम इसी बात की तो मांग कर रहे हैं, अगर पायरेटेड है तो सीबीआई जांच कर दीजिए। हाँ। प्रूफ कर दीजिए कि हम गलत हैं, लेकिन इतने दिनों से हम चार दिन हमें वहां पर पड़े हुए हो गए हैं, अब तक उनके पास इतना समय नहीं है कि वो इसको सीबीआई की जांच कर ले। हमें इस बात का डर नहीं है, मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा है। विशाल, मैं आपके पास आती हूँ, फटाफट से उन सारे बच्चों से आप बात कीजिए और उसके बाद सारे जो मेरे साथ मेहमान बने हैं उनके साथ ये बहस शुरू करती हूँ मैं। विशाल, ये लोग क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं है, कैसे हो सकता है? विशाल, सोचिए, आज होली का दिन है और ये बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, हमें हमारे नेताओं को शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रूबिका, और ये तस्वीर उन नेताओं को देखनी चाहिए जो आज बड़े जश्न के साथ होली मना रहे हैं। मैं इस वक्त एसएससी दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ के छात्रों ने आज रंगों की होली नहीं मनाई है बल्कि काली होली मनाई है, हाथों में काला टीका लेकर अपने माथे पर काला टीका लगाया है और काली होली मनाई है। आज की होली को विरोध दर्ज कराया है कि जो एसएससी में धांधली हुई है, जो आरोप छात्रों ने लगाए हैं उसको लेकर ये मांग की है कि यहाँ पर सीबीआई जांच सरकार की तरफ से कराई जाए। जल्दी से हम कुछ छात्रों से बात कर लेते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइए कि
आप लोग चार दिनों से यहाँ पर हैं, एसएससी की तरफ से कुछ जवाब आया, कुछ बातचीत हुई? देखिए, एसएससी की तरफ से कल एक नोटिस जारी हुआ जिसमें सिर्फ हमें बहकाने की कोशिश की गई, लेकिन हम इतने बेवकूफ नहीं हैं, हम उस नोटिस को ऑब्जर्व किए और उससे निष्कर्ष ये निकाला कि वो हमें बस हमारे भीड़ को कम करना चाहती है, क्योंकि उससे पता है आज सारा देश होली मना रहा है और हम लोग इसके विरोध में हैं, लेकिन हम इस जब तक हमारी जो मांग है पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि सारे नेता, सारे फॉरेन मतलब डेलीगेट जितने भी हैं वो होली मना रहे हैं और हमारे देश के युवा जो कि इस देश को बदलने की ताकत रखते हैं वो यहाँ पे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं लगभग 100 घंटा से बिना प्रॉपर खाए पिए। आपको पता होगा कि हमारे 10 जो हमारे साथी हैं वो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, क्यों? क्योंकि प्रॉपर भोजन मिल पा रहा है ना, प्रॉपर पानी मिल पा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात यह है कि बगल में ही हमारे बहुत सारे सत्ता पक्ष के मंत्री लोग हैं, एक भी बार सुध लेने नहीं आए। क्या लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करने के नाते क्या यह हमारा हक नहीं बनता कि सत्ता पक्ष को जाए और हमारी सुध तो ले? इन छात्रों की सुध लेने तो पहुंच जाते, बाकी सारी चीजें बाद में हो जाएंगी, लेकिन अभी वो जो बच्चे परेशान हैं उनको यही कह देता कोई नेता जाकर कि कोई बात नहीं, आप होली मनाइए फिर आइएगा, हम मिल बैठकर बात कर लेंगे, ये तक नहीं हुआ। निधि त्रिपाठी, आप तो एबीवीपी की सेक्रेटरी हैं, आपका एक कोई सीनियर लीडर जो है बीजेपी का आने को आज तैयार नहीं हो रहा है। मैम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि कोई हमारा सीनियर लीडर नहीं है, ना ही हमारी कोई पार्टी है। जो भी घटना हो रही है बहुत ही दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए इस लोकतंत्र में, क्योंकि जो एसएससी की परीक्षा है, एसएससी की परीक्षा लीक हुई है। कहाँ है चार दिन से एबीवीपी? छोड़ दीजिए, मैं भी आपसे कह रही हूँ कि एक छात्र संगठन का हिस्सा होने के नाते ही कह रही हूँ कि मैं एसएससी की जो परीक्षा लीक हुई है, जो धांधली हुई है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं कि मैं कहां थी। आपको पता होना चाहिए कि हम अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं, हमें पता है कि परीक्षा छात्रों को परेशानी हो रही है, छात्रों को परेशानी। आखिर आप मुझे बताइए, उड़ीसा में लीक हुआ पेपर, वहां पर सरकार से जब तक हम स्टूडियो के लिए चले थे 10 बच्चे हॉस्पिटलाइज हो गए थे, उनकी सुध लेने को एबीवीपी के नेता आया था क्या? एक बच्चा सुना से मेंटली इतना परेशान हो चुका है कि अपने होश में नहीं आ पा रहा है, उसकी सुध लेने आ पाए थे क्या? एबीवीपी में कोई नेता नहीं है। अरे मैम, आप नेता यहाँ से राजनीति करने आते हैं, छात्रों की बात रखने आते तो 4 दिन पहले आते। 4,000 बच्चे परसों बाहर थे, कहाँ थे आप? अच्छा ठीक है, आप सुने, आप सुनते हैं। मैम, पेशेंस कहाँ से रखूं? मेरे साथ के बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, 4 दिन से सड़क पर सो रहे हैं, कैसे मैं पेशेंस रखूं? एक सेकंड पूर्वेश, मैं समझ पा रही हूँ, एक सेकंड, मैं सच में समझ पा रही हूँ कि आज पेशेंस नहीं है। आपने सारी की सारी जो सीमा होती है ना सब्र की, वो टूट गई है, और यही वजह है कि आप लोगों ने इतना एक्सट्रीम स्टेप ले लिया है कि अब छोड़ दीजिए, अब हमें, हम घर परिवार छोड़कर आ गए, हम तो सड़कों पर ही रहेंगे। निधि त्रिपाठी, आप तो खुद एक स्टूडेंट नेता है ना, आप तो इनसे सिर्फ कह देने से कोई साथ होता है क्या? निधि जी, मैम नहीं होता, मैं इसी वजह से तो कह रही हूँ आपको कि एक स्टूडेंट होने के नाते और एक सचेत स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की कार्यकर्ता होने के नाते मुझे पता है कि हर एक मुद्दे पर जो छात्र विरोधी जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनके खिलाफ कैसे आवाज उठानी चाहिए। कैसे? अरे मैम, कैसे होता? हमने भी तो शांतिपूर्ण रूप से आवाज उठाई थी। हम मिनिस्ट्री में जाते हैं तो हमें धमकी दी जाती है कि तुम पांचों को जेल करा दूंगा, ऐसी धमकियां लेने के लिए हम बैठे, हम क्रिमिनल है क्या? हम स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन पास करके पेपर दे रहे हैं, और धमकी दी गई कि आप पांचों को जेल करा दूंगा? हमने सबूत पेश किया, उन्होंने कहा और सबूत पेश करा, हम पढ़ने के लिए आए हैं, सबूत पेश करने के लिए आए हैं। एबीवीपी के कार्यकर्ता जेल गए हैं, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को रस्टिकेट भी किया गया है। मैम, इस मुद्दे पर कोई एबीवीपी का नेता, कोई बताइएगा, लेकिन एक सेकंड रुक जाइए गीता, डॉक्टर भट्ट आरएसएस सपोर्टर है मैम, आप हर मुद्दे पर, चाहे वो आरएसएस हो चाहे वो बीजेपी हो, जरूर आएगी बातचीत करने के लिए। अब जब उनकी जवाबदेही है, उनकी जिम्मेदारी है, उन पर सवाल उठ रहे हैं, तो सवाल भी नहीं सुनेंगे?
आप एक प्रोफेसर हैं, आप तो खुद जानती होंगी कि ये बच्चे ऐसे ही थोड़ी आगे रहेंगे। देखिए रूबिका जी, हाँ जी रूबिका जी, देखिए रूबिका जी, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती भी हूँ, एक प्राध्यापक भी हूँ, वहाँ की एकेडमिक काउंसिल की मेंबर हूँ, और अपने जो व्यक्तिगत विचार हैं इस विषय पर मैं इस तरह से आपके सामने रखना चाहूंगी कि कोई भी जो परीक्षा होती है, चाहे वो हम रोजगार के लिए उसके चयन परीक्षा हो, चाहे योग्यता किसी की परखने के लिए परीक्षा हो, उस वो निष्पक्ष होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है और ऐसा कोई भी संगठन नहीं होगा जो इस बात से अपनी जो है एग्रीमेंट ना रखता हो। अब यहाँ आज जो विषय चर्चा का है वो एसएससी में जो बात चली है, जो कि कोई परीक्षा है जो कि ठीक से नहीं कंडक्ट की गई या उसको सोशल मीडिया में लीक होने की बात जो चल रही है, अगर इसमें कोई भी तथ्य है तो कोई दो राय नहीं है कि इसके ऊपर अगर जिसने भी इस चीज को किया है उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। बात सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक ऐसा संस्थान है जो आज नहीं कई सालों से ऐसे घेरे में रहा है, जहां उस पे जो वो परेशानी समर्थक है उसके प्रश्न चिन्ह लगा है। ये कोई पहली बार नहीं है, 2011 में ऐसा हो चुका है, 2013 में ऐसा हो चुका है, 2007 में, ये नहीं कह रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा होता रहा है। और अगर सरकारों ने इस पर अब जो नीति निर्धारित करके होता रहेगा, जो भी इस चीज में जिस प्रक्रिया में इन्वॉल्व रहे हैं उनको अगर दुरुस्त नहीं किया है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया है, तो दुख की बात है। निधि ये कह रही है कि हम उनके साथ है, एबीवीपी के सारे कार्यकर्ता उनके साथ है, आप ये कह रही है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अरे तो फिर कार्रवाई कौन करेगा? सब अमीर हैदर जैदी थोड़े कर सकते हैं, इस पे जांच डॉक्टर भाई सहसीनपुरा वाला थोड़े ही कर सकते हैं, कौन करेगा? बीजेपी करेगी ना, बीजेपी ने तो आने से इनकार कर दिया। मैं आपसे कह रही हूँ वो तो आने को नहीं राजी है, फिर भी चार दिन से जो स्टूडेंट्स हैं वो वहीं पे रास्ते में रात भी कर रहे हैं। आपके पास एक सेकंड, बाकी सारे स्पीकर से एक दफा बात कर लो, इसमें मैं आऊंगी। तहसीन, मैं आपसे ये जरूर कह सकती हूं रूबिका जी कि एक जांच अगर इसमें कोई भी तथ्य है, जो ऐसा कि अगर आप वेबसाइट अगर देखेंगे एसएससी की, तो रूबिका जी चेयरमैन है, उन्होंने इस बात को लिखा है कि मैं कुछ जो गीता जी कैन यू हैव सम मैनर्स एंड लेट समबडी एल्स स्पीक। नहीं सर, एक सेकंड डोंट मेक इट पर्सनल प्लीज सर। जरूर होगी, तो जांच होनी चाहिए सर। जांच होनी चाहिए का क्या मतलब है? ए अरे कोई सुध लेने तो चला जाता वहां पर, उन बच्चों से पूछ तो लेता, हैप्पी नहीं काली होली बोल देता, बोल तो देता। अब आप आपकी तहसीन, अभी आप अपनी मन की बात बंद करोगे और दूसरों को बोलने देंगे? थैंक यू रूबिका जी। रूबिका जी, जो ये छात्र कह रहे बिल्कुल सही कह रहे, इनके कुछ साथी आकर मुझसे मिले और कुछ बाकी अन्य मेरे दोस्तों से मिले हैं, और जो इन्होंने सबूत इकट्ठा किया है ये बिल्कुल ही लीगल सबूत है। रूबिका जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 10 लाख से लेकर 40 लाख तक यहाँ पर कोई बात छुपी नहीं है, यहाँ पर रेट चल रहे हैं जहाँ पर आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना पैसा भरता है, एवरेज रेट है 10 लाख से 40 लाख तक। दूसरी चीज़, इसमें जो वो पत्र दिखा रहे, वो जो सबूत दिखा रहे जो फेसबुक पर घूम रहा था, वो बिल्कुल उस वक्त लाइव हुआ और ये साइबर कैफे में भी हो रहा है, फेक सर्वर सेटअप करते और बच्चे फेक साइबर कैफे से एग्जाम दे रहे हैं। तीसरी बात इसके अंदर ये हो रही है रूबिका जी, कि जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो पैसा भर रहे हैं, ये उन लोगों से, ये उन लोगों की जगा रहे, क्योंकि ये 600 मार्क्स में से, ये दो टायर की एग्जाम है, 200 मार्क्स और 400 मार्क्स, ये स्कोर कर रहे हैं 530, 550, 560 मार्क्स। तो जो बच्चे, जो छात्र एक्चुअली मेहनत करते हैं, वो स्कोर को कभी बीट नहीं कर पा रहे। अगर इसकी जाँच हो, और सिर्फ CBI जाँच नहीं रूबिका जी, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जाँच हो, क्योंकि ये जो पैसा आ रहा है 10 लाख से लेकर 40 लाख तक, ये कोचिंग सेंटर्स द्वारा आ रहा है। कोचिंग सेंटर्स क्या करते हैं रूबिका जी, ये स्टूडेंट्स को कहते हैं हम गारंटीड आपको जॉब दिलाएंगे, आप यहाँ पर कोचिंग सेंटर में एडमिशन लीजिए, इसके बाद ये पैसे की सेटिंग होती और ये तभी पॉसिबल है अगर इस संस्था में कोई मिलावट हो, तब आपको कुछ करते होंगे। एसएससी से पेपर बाहर तो आता ही है ना, एसएससी से ही तो गड़बड़ स्टार्ट होती है ना। बात केवल एक पेपर CGL की नहीं है सर,
आप अगर तथ्य को खोलकर देखेंगे सीएचएसएल सीपीओ कांस्टेबल का पेपर एमटीएस सर मैं आपको दिखाना चाहूंगा हाजिरी कहीं से भी हो रही है पर सपोर्ट जब तक उनको एसएससी से नहीं मिल रही है तब तक वो क्या कर सकते हैं एसएससी पेपर लेती है साइबर कैफे में हम इंडिविजुअल तो जा नहीं सकते इसीलिए हम एसएससी के पास पहुंचे हैं एक एक जयपुर में एक इंस्टीट्यूट है जिस एक ही इंस्टीट्यूट से 8000 बच्चे सेलेक्ट हो गए कैसे हो गए मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत है लगातार 84 से लेकर और 83 तक लगातार बच्चे 73 से लेकर 75 सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए एक साथ कैसे हो गए तहसीन पुनावाला ऑल राइट आप गए क्या बच्चों से मिलने के लिए तहसीन पुनावाला डिड यू मीट देम आप गए एसएससी दफ्तर के बाहर तहसीन पुनावाला को मौका मिला वक्त मिला जाने का मैं आई एम मीटिंग देम ऑन 6th 6 तारीख को बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो गए आप 6 तारीख का इंतजार कर रहे हैं जब उसमें से आधे से ज्यादा बच्चे ये परेशान होकर नहीं 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 सर सर मैं ये बोलना चाहूंगी अगर ऊपर वाला अगर हम 27 तारीख से बैठे हैं तो हम तक आप पहुंचेंगे ना सर आधे से ज्यादा बच्चे अस्पताल में होंगे अगर हम 27 से बैठे हैं यू हैव टाइम टू कम हियर एंड डिबेट यू डू नॉट हैव टाइम टू गो एंड मीट देम अगर हम 27 से बैठे हैं तो हम कोई फ्रूटफुल रिजल्ट एटलीस्ट फर्स्ट तक चाहते हैं आप कह रहे हैं आप 6 तारीख को आते मतलब आपने फुल टारगेट ले लिया कि बच्चे यहाँ पर 6 तारीख तक बैठेंगे कि 27 से 6 तक बैठे रहने दो एक आधे को मरने दो उसके बाद में जाऊंगा सर 10 हमारे दो हॉस्पिटल सब हम में नंगे हैं ना बैठे या ना बैठे पेटीशन पे या ना बैठे सर बिना सीबीआई की जांच के वहां से उठेंगे नहीं बिल्कुल नहीं उठेंगे तब तक जब तक हमें सीबीआई के लिए ऑर्डर नहीं मिल जाते ठीक है सर राशिद अलवी अमीर साहब मैं आ रही हूँ आपके पास राशिद अलवी साहब क्या लगता है सर देखिए मैं कहता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है एक तरफ प्रधानमंत्री बच्चों को जाके पूरा भाषण देते हैं कि टेंशन में नहीं रहना चाहिए टेंस नहीं होना चाहिए और दूसरी तरफ उनकी नाक के नीचे तो ये भी कहते हैं पकोड़े भी सब कुछ हो रहा है पेपर्स लीक हो रहे हैं इन बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है और ये सीबीआई की इंक्वायरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये मासूम बच्चे हैं इसलिए ये सीबीआई की इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आता है सीधा सीधा प्रधानमंत्री के तहत ये आता है ये सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और आज बीजेपी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है यही इस बात का सबूत है कि सरकार अपने आप को दोषी मान रही है और ये घोटाला व्यापम के बराबर का घोटाला है आपने देखा होगा व्यापम के अंदर कुछ नहीं हुआ है 70 लाख बच्चों ने अप्लाई किया 20 लाख बच्चे एग्जामिनेशन के अंदर बैठे आज होली है होली का रंग हर नेता खेल रहा है बीजेपी का और ये बच्चे बीजेपी नहीं है ना हमारे भविष्य के साथ हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं बीजेपी के नेता रंगों से नहीं खेल रहे ना अलवी साहब मैं तो सारे नेताओं से आज यही सवाल करूंगी कौन गया राहुल गांधी तो नानी जी से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए हैं सुनिए अरे बच्चों के मुस्तकबिल का कोई तो नेता कोई तो अलमदार होगा ना सर एक काम ये कीजिए अपने एटीट्यूड को चेंज कीजिए क्यों सर जिन लोगों के हाथ में ताकत है जो ये सारा खेल खेल रहे हैं वो तमाम लोग जिम्मेदार हैं इस बात के लिए अरे सर मैं ये बहुत तो ठीक बच्चों है ना? से मिला हूं मेरे पास आए हैं मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी लगातार इनके लिए लड़ रही है आप भी तो नहीं गई मिलने के लिए आप गई थी क्या सर आज होली है नहीं कि हम चाहते आवाज तो आज इस पर किसी तरह की कोई बहस नहीं करते कल इंतजार करते राशिद अलवी साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप हम बच्चों के साथ खड़े हैं हमारे रिपोर्टर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वहां पर गए हैं मत जाइए राशिद अलवी साहब आप मत जाइए आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव चेंज कर लीजिए मेरे सवाल पूछने से आपको चुभन होने लगती है आप आपके चैनल की यही प्रॉब्लम है हाँ, सब प्रॉब्लम चैनल में है सर और आप सारे नेता साफ सुथरे अलवी साहब आप सवाल सिर्फ होली का नहीं है सवाल सिर्फ होली का नहीं है सवाल ये है कि इन बच्चों का भविष्य नहीं राशिद अलवी साहब कौन खिलवाड़ आप बेसिकली अपने एटीट्यूड में चेंज कर लीजिए सर इसलिए क्योंकि हर बार शक की निगाह से देखना हर बार चैनल को शक की निगाह के साथ देखना इसी एटीट्यूड आपके इसी एटीट्यूड की वजह से आप लोगों का ये हाल हुआ है आप लोगों को 44 इसी एटीट्यूड की वजह से मिला जो हाल हुआ है वो होने दीजिए
सुधार कर लीजिए सर। हुआ होने हम ये सवाल ना पूछे आपसे, हम बस सवाल जो हम सत्ताधारी पक्ष से सवाल पूछेंगे। वी हैव टू आस्क देम क्वेश्चन, हम सबसे सवाल पूछेंगे। कोई माइकल लाल नहीं रोकेगा हमें सवाल पूछने से सर। जाने से एक ट्वीट कर देते राहुल गांधी, कर देते ना सर एक ट्वीट। हम सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी पूछ रहे हैं, इस डिपार्टमेंट का ख्याल रखने वाले जितेंद्र से भी पूछ रहे हैं, हम सवाल सारे नेताओं से पूछ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां से बच निकलेंगे। अमीर साहब, रूपिका जी, पूरा विपक्ष के छात्रों के साथ है, लेकिन अगर विपक्ष के नेता धरना स्थल पर जाएंगे क्या तो ये सरकार ये कहेगी कि सारे मीडिया के सामने वो छात्रों को बरगराने का काम कर रहे हैं और ये गलत काम हो रहा है, इसलिए होली पे जाएंगे बरगला रहे हैं। अब ये बच्चा खुद कह रहा है कि ये इनसे खुद पूछा जा रहा है कौन सी पार्टी को, तो विपक्ष ये जानता है कि छात्रों के हितों की रक्षा कैसे होती है। दूसरे ये, जब ये न्यूज सोशल मीडिया पे वायरल हो गई तब मजबूर हुए चैनल भी इस न्यूज को दिखाने के लिए। दूसरे पूरे देश के अंदर मुझे मालूम है किस चैनल ने किस रिपोर्टर ने ली, पहले दिन कहाँ दिखाई गई और कैसे दिखाई गई वो मुझे मालूम है। पूरे देश के अंदर छात्र और नौजवानों में आक्रोश है। जो संस्थाएं प्रतियोगिता परीक्षा लेती हैं, योग्यता परीक्षा लेती हैं, कम से कम जो प्रधान सेवक हैं, जो ये कहते हैं मैं इस देश की सेवा करने के लिए आया हूँ, भविष्य निर्माण के लिए आया हूँ, अच्छे दिनों के लिए आया हूँ, वो एक नुमाइंदा भेज के सारे कार्यालयों के सामने कम से कम भेज के देख लें कि पूरे देश के नौजवान कहाँ कहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर भट्ट, कहाँ कहाँ परीक्षाओं के अंदर ध्यान दिया हो रही है, कहाँ कहाँ परीक्षाओं का रिजल्ट नहीं आउट होता, कहाँ कहाँ बच्चों से मोटी फीस लेके परीक्षाएं रद्द कर दी जाती है। सबसे ज्यादा एक मिनट, जय नौजवान कहते हैं एबीपी, राजपूत बैठे हुए मैं स्नेहा का भी रुख नहीं कर पाया। एबीपी नेता ये कह रहे हैं बैठ के हम जेल गए, कहिए छात्र जब जेल चले जाएंगे इन पे सेडिशन चार्ज लगाओगे तब आप इनकी सुनोगे, ये देशद्रोही का काम कर रहे हैं, क्या सोचना चाहती है प्रधानमंत्री की? तो नियत ही नहीं है बच्चों को पढ़ाने, वो तो खुद ये कह रहे हैं क्या करोगे पढ़ के प्रतियोगिता परीक्षा, आपको पढ़ने के बाद भी पकौड़े तलने, गोबर के रोजगार कर रहे हैं, तलाश कर रहे छात्रों के नौजवान गद्दी में बैठा है। राजनीतिक पार्टियां इसका कोई समाधान निकालने के बजाय अपनी राजनीतिक रोटियां, वो देखिए अगर विपक्ष पक्ष में बोलेगा तो राजनीति रोटी का शिकार है, किसान यहाँ के मलमूत्र पी के चला जाता है, ये सरकार के कान पे जूं नहीं देती है। अगर विपक्ष का कोई नेता छात्रों के साथ खड़ा होता है तो कहते हैं छात्र कोई पार्टी नहीं है, हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, हमारा सिर्फ एक धर्म है, पंचायत के अंदर हुआ है और बेरोजगार किसी नौजवान का गुनाह और अपराध है। आप इससे पहले 2013 में इतना बड़ा पेपर लीक हुआ, आप कहाँ थे? डॉक्टर भट्ट, मैं आज 2017 की और 18 की बात कर लूं, 2014 में लीक हुआ था, 13 में लीक हुआ था, अब भी हम लीक करेंगे। डॉक्टर गीता, आप कह रही हैं 2013 में हुआ था तो आगे होता रहेगा। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है उन्हें फरवरी 2017 में उन पेपर लीक की वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। अभी तो यहाँ क्यों नहीं हो रही मैम, यहाँ पर क्यों सीबीआई जांच के ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं मैम? अरे बच्चों मसला ये नहीं, ऐसा नहीं है, ये अगर घोटाला भी करते हैं तो उसे राष्ट्रवादी कहना चाहिए, ये अगर बच्चों पे जुल्म करते हैं तो उसे देश हित में कहना चाहिए। बच्चे अगर मजबूर हो रहे हैं आपको भी मजे आ रहे हैं ना, सवाल उठाने का मौका तो मिला है। डॉक्टर गीता, मुझे बस इस सवाल का जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने किसी नुमाइंदों को क्यों नहीं भेजते हैं, क्यों एक ट्वीट नहीं करते हैं? वो क्या वजह है कि जिसके बारे में सबसे ज्यादा वो उम्मीद लगाकर और ये दावा करते हैं कि उन्हीं के बूते मेरा आगे देश जाने वाला है, उनकी सुध नहीं ले रहे? टेल मी डॉक्टर गीता। रूबिका जी देखिए, इस विषय पर जरूर जो स्टाफ सिलेक्शन कमेटी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है, और इस विषय पर वहाँ के जो चेयरमैन हैं उन्होंने, जैसा कि उनकी वेबसाइट पे भी दिया हुआ है, उन्होंने ये लिखा है कि इसकी जांच होगी, और इस विषय पर जो जांच उन्होंने केवल 21 तारीख के जो आंसर बाहर आए थे उनको मैच किया जाएगा, ये कहा है मैं बरगलाइए मत हमें, कोई जांच नहीं है, ये बेसलेस जांच है, ये बेसलेस जांच है, हमें
ऐसे नहीं होती है, इस तरह से नहीं होती है कि एक ही बारी में सारे विद्यार्थी बैठ जाएं, अलग अलग फेज में। मैम आप कह रही हैं सारे विद्यार्थी बैठ जाएं, तो कैसे होती है मैम? उन्होंने 9 मार्च का डेट निकाल दिया है कि सुनिए डॉक्टर गीता, सुनिए सुनिए आप सुनिए आप सुनिए, ये बच्चे कह रहे हैं ऐसा खराब रवैया है ना अधिकारियों का, मैं बताता हूँ ऐसा खराब रवैया, इनको डराते हैं उनको धमकाते हैं, आप सुनिए हमसे पूछा जाता है 1.5 लाख बच्चे पेपर देते हैं, तुम 2000 बाकी सारे कहाँ गए? हम बताएंगे कहाँ गए, मतलब 4000 बच्चे 2000 बच्चे अगर सड़क पे हैं तो वो क्या कम है क्या, वो कम रह गए हैं? हमसे ये कहा जाता है कि बाकी बच्चे कहाँ हैं? हम डीओपीटी में जाते हैं तो हमसे ये कहा जाता है बाकी बच्चे कहाँ हैं? हमसे हमारा फोन तो छोटे बड़े पेन तक बाहर रखवा लिया जाता है ताकि जो मंत्री साहब हमें बात कर रहे हो कहीं बाहर ना निकल आए, हमें आपस में तोड़ने की कोशिश होती है, अंदर हम जो बात करते हैं उसको बच्चा बाहर आकर कुछ बताए और ऊपर जाकर वो कहते हैं इस बच्चे ने झूठ बोल दिया, उस बच्चे को झूठा साबित कर दिया जाता है। मैडम ऊपर आप बात कर रही हैं, आप सुन रहे हैं क्या कह रहे हैं बच्चे? डॉक्टर गीता आपको सुनना ही नहीं, मतलब वो चाहते हैं कि 30 लाख बच्चे सड़क पर आ जाए, वो कह रहे हैं व्हाट इज रॉन्ग डॉक्टर गीता, व्हाई यू नॉट लिसनिंग टू मी, क्या बात है? हम आपके साथ में आ रहे हैं, आप क्यों नहीं सुन रही हैं? आप लगातार बोल रही हैं, आप सुन रही हैं? अरे आपकी सुनने के लिए नहीं आ रही यहां पर, आप चैनल पर आकर कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आएंगी? प्रोफेसर राजपूत प्रोफेसर राजपूत, ओके मैम, ओके ओके ओके, जांच होनी चाहिए, होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, रटा रटाया मैम, ये रटा रटाया, नहीं नहीं सुनना है किसी को, एक पेपर की जांच का आश्वासन वो देते हैं खुराना साहब, और बाकी चीजों का क्या? बात सिर्फ 17 से 21 की नहीं है, CHSL का पेपर अभी होने वाला है मैम, अभी हुआ पूरा सिस्टम चोट कर रहा है बच्चों के साथ, एक पेपर के रेट तक पता चल गए हैं कौन सी सीट के कितने, ठीक है पूर्वेश एक सेकंड, प्रोफेसर राजपूत जो कि फॉर्मर डायरेक्टर है NCERT के, प्रोफेसर राजपूत हम क्या तैयार कर रहे हैं, ये वो बच्चे हैं, हम इनको क्या सिखा रहे हैं? इसी शर्त पर बोल सकता हूं कि जब तक मैं बोलूंगा लोग शांत रहेंगे, और जैसे ही कोई शोर करेगा मैं बंद कर दूंगा। मुझे ये कहना है कि अगर एक भी बच्चा असंतुष्ट है तो परीक्षा लेने वाली संस्था का, उसके अध्यक्ष का, उसके लोगों का ये कर्तव्य है कि वे उसे संतुष्ट करें कि परीक्षा नीट एंड क्लीन हुई है। भारत सरकार को भी इसकी कॉग्निशंस लेनी चाहिए। पिछले सालों में देश में हर जगह जहाँ जहाँ नौकरी की परीक्षाएं होती हैं पेपर्स लीक होते रहे हैं, बड़ी संख्या में होते रहे, इनकी साख लगातार घटी है, और इसके लिए आप इसमें राजनीति मत करिए, ये देश के बच्चों का सवाल है, और जो घटी है उसमें सभी लोग जिम्मेदार, वे लोग जो संस्थाओं के अध्यक्ष हैं वे बच्चों को इस तरह नहीं छोड़ सकते। मेरे जैसे व्यक्ति को बहुत पीड़ा होती है जब मुझे पता लगता है कि एक परीक्षा जो है 4 साल पहले हुई थी, परिणाम नहीं निकला, या परिणाम निकल गया, बच्चों को नौकरी का लेटर जो है 2 साल 2.5 साल नहीं मिला जी। आप याद करिए, मैं आपको बता सकता हूँ, मैं 1964 में 21 साल का था, कोई भी परीक्षा में 2-3 महीने 4 महीने ज़्यादा का समय नहीं लगता था, हमारी एफिशिएंसी इतनी कमज़ोर क्यों हो गई है, हम इतने बेईमान क्यों हो गए हैं कि हम बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? कोई भी हो, बच्चों को मान लीजिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने भेजा है, हमें जानना चाहिए कि आज की परिस्थिति में कोचिंग इंस्टीट्यूट कोचिंग कम करते हैं, इधर उधर के काम ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल सही, ये बात अभी कही गई, व्यापम के बाद देश में सारी संस्थाओं को अलर्ट हो जाना चाहिए था, सरकारों को अलर्ट होना चाहिए था, आज उन सरकारों पर कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है जिनकी परीक्षाएं 3-3, 4-4 साल चलती हैं, और बच्चों के जीवन के वे वर्ष व्यर्थ होते हैं जब वे सबसे ज्यादा सृजनात्मक होते हैं। ये समस्या को बड़े स्तर पर लीजिए, ये देशव्यापी आंदोलन हो जाए तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि किसी को भी 5 महीने से अधिक समय परीक्षा की एप्लीकेशन देने और परिणाम आने में नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर ये भी मैं कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत अपॉइंटमेंट्स किए, बहुत संस्थाओं में मैं गया हूँ, और इस बात में दम है कि इस देश में नौकरियां बिकती हैं, उनके रेट लोग जानते हैं, और ऐसा होता है, मेरे पास इस
पर्टिकुलर केस के कोई प्रूफ नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आपका अनुभव है और आप... मेरी ड्यूटी बनती है पर अध्यक्ष के नाते कि मैं उसको बताऊं, और आपने जिस चीज से शुरुआत की है इसी बात उसी सवाल को लेकर आगे जा रही हूं। हाँ प्रोफेसर राजपूत, मैं इसी बात को लेकर आगे जा रही हूँ। मैं कह रही हूँ 2000 बच्चे नहीं, किसी एक भी बच्चे को अगर शक है कि उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुई है तो क्या साफगोई के साथ आगे आकर जांच का आश्वासन नहीं देना चाहिए? घनश्याम तिवारी, मैं आपसे भी जवाब लूंगी और राशिद अलवी साहब, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले विशाल पांडे वहां पर मौजूद हैं, बहुत सारे बच्चे उनके साथ हैं, वो भी अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं। विशाल। बिल्कुल रुबिका, यहाँ पर तमाम ये छात्र मौजूद हैं जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं, क्या आपको लगता है कि जो मुद्दा आप लोगों ने उठाया है उसका उसके पीछे प्रमुख कारण क्या और क्या एविडेंस आप लोगों के पास है जो जिसको लेकर आप लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं? सर ये मुद्दा बहुत पुराना है, 3-4 साल से हम देखते आ रहे हैं कि परीक्षा एक तो बहुत ही लंबा प्रोसेस चलता है, ठीक है, हमेशा अगर कोई जेन्युइन परीक्षा है कैलेंडर रिलीज होएगा, टाइम पे परीक्षा होगी, हम एक तो एक परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ एक टीयर वन की परीक्षा में ही 1 साल लग जाता है, 1 साल बाद जब हम मेंस देते हैं उसके बाद पता चलता है पेपर आउट, इसी में धांधली हो जाती है? बिल्कुल सर, इसी में हो जाती है। हमारे पास पहले ऑफलाइन परीक्षा होती थी तो कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं थे, इस बार हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस है क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा पे पेपर बाहर नहीं आ सकता है। क्या आपको नहीं लगता है कि अब एसएससी देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है, और एक एग्जाम एक्सटेंड कर करके ये 4 बार में लेते हैं, उसके बाद भी ये फेयर एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाते हैं, जिसके वजह से जो मेहनत करके जो बच्चे आते हैं वो उसमें सक्सेस नहीं पा पाते हैं। यहाँ पर कब तक धरना देने वाले हैं? जब तक हमें सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी, सीबीआई इंक्वायरी जब तक नहीं होगी तब तक हम यहीं पर रहने वाले हैं, यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा सर तब तक हम यहीं पर रहेंगे, यहीं पर रहेंगे, जांच भी होनी चाहिए इस पर सर, पूरी बार एसएससी रहेगा या हम रहेंगे। सर हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है, पूरी नहीं होगी ना तब तक हम यहीं पर अटके रहेंगे। अगर एसएससी गलत नहीं है तो वो सीबीआई इंक्वायरी से क्यों डर रही है? उनको सीबीआई इंक्वायरी करवाना चाहिए। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की मांग की है सर, ये हमारा अधिकार है सर। सर क्या मांग कर दिया हमने? देखो हम क्या मांग रहे हैं, हम एक संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं सीबीआई की जांच, क्या हमें अपना अधिकार मानने का हक नहीं है? आज हमारी आवाज को दबाया जा रहा है और ये करप्शन है ना, एसएससी के सभी एग्जाम में, सीपीओ का एग्जाम हुआ, सीएचएसएल का हुआ, एमटीएस का हुआ, क्या आज युवा, आज हमारी सरकार, हम युवा को उस मोड़ पे ले आइए, हमारे संवैधानिक अधिकार कुछ ले जा रहे हैं, स्टूडेंटों की आवाज को दबाया जा रहा है, क्या ये सही है कि हमारी आवाज दबाई जा रही है? सर हम सीबीआई पे हम अड़े हुए हैं और तब तक अड़े रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाती है, और हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए और सर हमको न्याय चाहिए, जो भी हो जाए। मेट्रो बंद करने से कुछ नहीं होगा, ये आंदोलन हो के रहेगा, पूरा होगा सर, ये कभी ना होगा। हम हमारे लिए खाना पानी इन सब चीजों घनश्याम तिवारी, यहाँ पर ये दो छात्र हैं जो लगातार 4 दिन से वहाँ पर हैं, बहुत सारे दूसरे छात्रों से संपर्क में, और इसीलिए इन दो लोगों को मैं स्टूडियो बुला पाई हूँ, वरना तो इन सारे के सारे बच्चों के साथ ही आज शो होना चाहिए था। एक धीरेन्द्र अग्रहारी है, वो ये लिख रहे हैं अब तो सरकार को एग्जाम बंद करके सीटों की ऑनलाइन बिडिंग शुरू कर देनी चाहिए, फिर ऐसे बिल्कुल बिल्कुल जिसकी जितनी ज्यादा बोली उसको वैसी ही पोजीशन दे, इतनी ईमानदारी बरत ले और कह दे जो गरीब है वो घर पे बैठे। ये देखिए मैं शो करना चाहता हूँ कुछ। घनश्याम तिवारी, रुबिका जी से लेकर 74 तक सारे बच्चे सेलेक्ट। रुबिका जी 1997 में मैंने आईआईटी का एग्जाम लिखा था, उस साल पेपर लीक हुआ था, उस समय के बाद से 20 साल गुजर गए हैं जिसमें 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है और 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है परीक्षा के सिस्टम में। जो बच्चे मांग कर रहे हैं केवल सीबीआई जांच नहीं, हमारे हमारे पास आज टेक्नोलॉजी है कि हम एक पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था बना सकें,
लेकिन सरकार और उसके उससे जुड़े हुए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इस प्रणाली का दोहन करते हैं। जो बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, जो डायरेक्टर साहब कह रहे हैं वो भी दुरुस्त कह रहे हैं कि कहीं कोई है जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके बोली लगाता है किस एग्जाम को लीक करके कितना पैसा बनाया जा सके। और इसमें जो वर्तमान सरकार है उसका सबसे बड़ा दोष ये है कि वो सरकार लोगों की सुन नहीं रही है। प्रधानमंत्री 2 घंटे टीवी पर लेक्चर दे सकते हैं परीक्षा पे चर्चा के नाम पर, लेकिन उनकी सरकार इन बच्चों से दो टूक बात नहीं कर सकती है, जिम्मेदारी नहीं ले सकती है। हमने परीक्षा कराई थी और लीक नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि एग्जाम वॉरियर्स नहीं, एग्जाम वॉरियर्स हमें तैयार करने हैं। तो अगर एग्जाम वॉरियर्स तैयार करने तो ऐसे तैयार किए जाएंगे। ये आज की डिबेट इसलिए है, मैं फिर से बता दूं उन सारे नेताओं को, अगर नेता बिजी है होली खेलने में तो हो सकता है कि नेता के कुछ दोस्त अभी इस वक्त देख रहे हो ताल ठोक के। आप जाकर अपने नेताओं को और खासकर बीजेपी के नेताओं को बता दें किस तरीके से आप छात्राओं के मेहनत से होली नहीं खेल सकते हैं। पूर्वेश, हमारे नेताजी ने और चेयरमैन साहब ने सुबह बयान दिया कि हमें स्पॉन्सर किया जा रहा है कुछ इंस्टीट्यूट के द्वारा, हम वहां पर भूखे प्यासे मर रहे थे, हमारे कुछ टीचर्स ने हमारे लिए पानी की व्यवस्था कर दी, फलों की व्यवस्था कर दी, तो क्या हमें स्पॉन्सर कर दिया? मैम ये देखिए उनके घोटाले, ये थोड़ा जूम इन करके दिखाना पूर्वेश की। अच्छा, और छात्र क्यों करे? छात्र अलवी साहब मेरे समझ में नहीं आ रहा है, कहा जा रहा है कि आप प्रूफ जो है ना थोड़े सही वाले प्रूफ लेकर आए। अरे छात्र परीक्षा की तैयारी करेंगे कि प्रूफ इकट्ठा करेंगे? मैम बार बार प्रूफ इकट्ठे करेंगे अलग अलग फॉर्मेट में, रोल नंबर 65 से लेकर रोल नंबर 74 तक। और ये तो एक छोटी सी बात है, जयपुर के एक ही इंस्टीट्यूट के 8000 बच्चे सेलेक्ट हो गए जिनका सेंटर पड़ा था। अलवी साहब बताइए बच्चे इकट्ठा करेंगे ये प्रूफ है? इस बार एमटीएस का जो रिजल्ट आया है उसका स्कोर कार्ड आया है, कोई पीडीएफ फॉर्मेट मार्क्स सारे बच्चों का ट्रांसपेरेंट नहीं आया है, ताकि इस तरह के घोटाले सामने ना आए। इसीलिए आया है ताकि ये घोटाले सामने ना पाए। अलवी साहब देखिए मेरे पास बच्चे आए थे, मैंने आपको बताया, और जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिखाए हैं वो फुल प्रूफ हैं। सरकार का कोई आदमी इसमें शामिल नहीं है तो अभी तक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स हो जाने चाहिए थे। आपको मालूम होगा कि जो बच्चे एक साल पहले सीएजी के अंदर 1700 बच्चे एग्जामिनेशन में पास हो गए, आज तक उन्हें ज्वाइन नहीं कराया। वो सरकार जो 2 करोड़ जॉब हर साल देने का वादा करती थी, 16-18 जो बच्चे पास हो गए, जिन बच्चों को जॉब इमीडिएट देना चाहिए उन बच्चों को एक साल से लटका रखा है सर। ऐसे इन बच्चों के एग्जामिनेशन की खिलवाड़ की जा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर यहाँ बैठी है, प्रो वाइस चांसलर नहीं है, 30 कॉलेजेस के अंदर प्रिंसिपल नहीं है, 30,000 टीचर्स एडहॉक काम कर रहे हैं, सरकार कर क्या रही है? हम बच्चों के साथ खड़े हैं। मुझे बच्चों ने कहा कि आप लोग आ जाएंगे हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, फौरन कहा जाएगा कि राजनीतिक रंग दे रहे हैं। 3,000 टीचर जो है उन्हें नौकरियां नहीं है। मैं बता देना चाहती हूँ कि 10 साल की यूपी की सरकार में अरे आरोप मन चलाया गया डॉक्टर गीता, अब वही कारण है कि बीजेपी के हाथ में है ना चल रहा है योर ब्रेन चाइल्ड, अब बीजेपी के हाथ में है ना सत्ता, ये बताना जरूरी है। अब ये क्या आरोप प्रत्यारोप है? अच्छा सुनिए, एक सेकंड ये जो राहुल साहब अभी ताल ठोक के कार्यक्रम देख रहे हैं, जरा मैं इनको बता दूं कि राहुल हर चीज में पॉलिटिक्स ढूंढना अच्छी बात नहीं है। जब बहुत सारे बच्चे सड़कों पर उतरे हो, त्योहार नहीं मना रहे हो, मेहनत करके बस आगे आना चाहते हो, उनके पास पैसे ना हो तो उनसे इस तरीके के सवाल नहीं पूछते हैं। लेकिन चूंकि मैं आपको एक्सपोज करना चाहती हूँ, ये सवाल मैं पूर्वेश से भी पूछूंगी, स्नेहा से भी पूछूंगी। आस्क दिस कैंडिडेट सिटिंग इन योर स्टूडियो अबाउट हिज मार्क्स इन टियर 1 विद प्रूफ। SSC is lethargic, but most candidates want a second chance in exam where success rate is 0.7%. Ma'am, हमें कोई सेकंड चांस नहीं चाहिए, पहली बात तो ये, हमने कहा ही नहीं है कि हमें सेकंड चांस दो, हम तो ये कह रहे हैं अपने आप को सही प्रूफ कर दो। मेरे मार्क्स जानना चाहते हैं, 136 नंबर है सर मेरे, करा लीजिए चेक, 136 नंबर है, मैं अपना रोल नंबर दे देता हूँ, चेक कर लीजिए मेरी लिस्ट।
ठीक है राम साहब सर, आप इत्मीनान हो गया? मैं एक बात कहना चाहूंगी, पार्टियां ना आपकी आपकी सर्विस के लिए सत्ता में आती हैं, आप पार्टी के सर्विस के लिए नहीं आते हैं। सर मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैं एक बात कहना चाहूंगी, हमारी कमीशन क्या करती है, कोई भी ऐसे विरोध हो जाए वो कहते हैं हम पेपर कैंसिल करवा देते हैं, ऐसे ही पेपर कैंसिल करवा करवा के पेपर डिले होती रहती है। कई ऐसे बच्चे हैं हमारे साथ हैं और देश भर में बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका ये लास्ट चांस होगा, अगर वो ऐसे ही डिले करते रहेंगे अगला फॉर्म आने तक उनका, जिनका सेकेंड लास्ट चांस है उनका भी ये लास्ट चांस ही हो जाएगा क्योंकि उनकी उम्र निकल जाएगी। और ये बात हमें सही है? हमें कमीशन ये एसएससी के एग्जाम ये बताए कि हमारा आज का एक जो एज है, बढ़िया बात की दीपिका जी, आपत्तिजनक बात तो ये है कि जब देश का युवा अगर आवाज उठाता है तो उस पर ये प्रश्न लगता है कि शायद ये फेल है, उनकी नीयत पे शक किया जाता है। मैं एक चीज़ बताऊं, बड़े कड़ी बात कर रहा हूं, किसी प्रतियोगिता जो लेते हैं, प्रतियोगिता का जो एग्ज़ाम ले रहे हैं, उनके प्रमुख की औकात नहीं है कि वो वहां भ्रष्टाचार करते हैं। बगैर सरकारी संरक्षण के सीटें नहीं बिकती हैं, एमपीओ के घर में या मिनिस्टरों के घर में सीटें बिकती हैं। ये जो संस्थाएँ हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा दे रही नौकरी की, ये सफ़ेद हाथ ही हैं इस देश के लिए, करप्शन के अड्डे बन गए, नौकरियों की नीलामी हो रही है। और जब नौजवान बैठ के आवाज उठाता है तो उसके ऊपर ये प्रश्न चल जाता है कि इनका कहना चाहिए वो मेरिट लिस्ट में इनका नाम नहीं है शायद, इसलिए ये यहाँ पे हमारे साथ वहाँ पे ऐसे बहुत बच्चे हैं अमीर साहब, और हमें उलझा दिया जा रहा है। मेरे पास सच में वक्त नहीं है, लेकिन लेकिन ये भारत के भविष्य का उलझाया जा रहा है। गोमूत्र के अंदर उलझा दी, अरे नहीं सर, होती रहेगी, कोई नहीं सुन, ठीक है मैं ये कह रही हूँ, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ भी कोई खिलवाड़। मेरा एक सवाल है, एक सवाल है हमारे साथ वहाँ पे, जो अगर हम हजार है ना, वहाँ पे 200 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी टायर वन लिखा भी नहीं है, वो अगले साल लिखेंगे, अभी तैयारी कर रहे हैं, या फिर इस साल लिखे थे उन्होंने, उनका टायर वन क्लियर नहीं हुआ है, पर कभी तो होगा, कभी तो वो करेंगे, अगर वो इस लाइन में आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, टाइम वेस्ट करने तो आ नहीं रहे, वो भी सिलेक्शन चाहते हैं, वो भी इंस्पेक्टर बनना चाहता है। अगर कोई ये अब सर मुझे मुझे वहाँ छात्र जो है, मुझे छात्रों के पास जाना, पूर्वेश स्नेहा मैं आप ही के साथ ही छात्रों के पास जा रही हूँ। घनश्याम जी एक सेकेंड आ रही हूँ, विशाल रूबिका देखिए, एक बार मैं जल्दी से जो यहाँ पर छात्र मौजूद हैं उनसे मैं उनकी राय ले लेता हूँ। यहाँ पर पेरेंट्स आने भी शुरू हो गए हैं, जब से चार दिनों से छात्र बैठे हैं, बताइए। हम अपने बच्चों को सपोर्ट करने यहाँ आए, और मैं बाकी पेरेंट्स से अपील करती हूँ कि वो भी घर से बाहर निकल के अपने बच्चों को सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा है जो आ सकते, ज्यादा से ज्यादा है बच्चों को सपोर्ट करें। यहाँ पर लगातार नारेबाजी भी हो रही है रूबिका, जो छात्र हैं यहाँ पर एसएससी के खिलाफ, क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो सर, हमारी सर हमारी हमारी डिमांड ये है कि एसएससी अब तक एक भी फेयर एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पाई है, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे सीटीएल हो, चाहे सीपीओ, चाहे सीएचएस हो, एक भी एग्जाम फेयर कंडक्ट नहीं करवा पाई है। हमारी डिमांड है कि इन फ्यूचर जितने भी एग्जाम है एसएससी के अंडर सारे फेयर कंडक्ट हो। जो युवा है अगर से 3,000 बच्चे झूठ बोल रहे हैं तो इनको झूठा साबित कर दीजिए, कर दीजिए इन बच्चों को झूठा साबित, सीबीआई की जांच करवा दीजिए, ये बच्चे झूठे कहलाएंगे, आपके देश का ये भविष्य झूठा कहलाएगा अगर ये झूठे हैं तो। अब डर किस बात की है डॉक्टर गीता, किस बात का डर है? होते हैं तो हमें डर नहीं है, लेकिन निधि किस बात का डर है? जाकर खुदा के वास्ते भगवान के लिए अपने नेताओं को बता दीजिए, बीजेपी के तमाम नेताओं को, और इनफैक्ट अब पूरी की पूरी सरकार को, जी न्यूज की तरफ से ये साफ तौर पर संकेत है कि ये बच्चे अभी तो 2000 है, धीरे धीरे सारे बच्चे आएंगे, अब तो माँ बाप आने लगे हैं, आप इन बच्चों की गुहार सुनिए, ये देश का भविष्य है, इनके साथ खेल नहीं हो सकता है और किसी तरह की कोई पॉलिटिक्स भी। और हमारा ये अनुमान है अगर हमारे पास अभी 2000 का स्ट्रेंथ है नहीं है और होनी है तो बहुत कम लोग आए हैं, ठीक है, लेकिन कल और परसों में यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ बनेगी और प्रेशर बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि जब प्रेशर बनेगी तभी बात बनेगी, प्रेशर बनेगा तभी बात बनेगी।